एक्सीडेंट के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहा है, गाड़ियाँ इतनी तेज आ रही हैं, वैसे ही भागा फिर रहा है, इतनी तेजी से भागे जा रहा है। भाई रुक जा, हुआ बंद हो गया, नंबर लिखा हुआ है यहाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस एक और नया दिन, एक और नई वीडियो, और आज 6 फरवरी 2023, और आज हम जा रहे हैं मोबाइल मार्केट। आज गाइस काफ़ी गर्मी हो रही है, थोड़ा धूप काफ़ी तेज़ है। आज मैं और कुशल हम दोनों जा रहे हैं मोबाइल मार्केट, तो आपको दिखाते हैं कुशल को कैसे आगे भागा जा रहा है, क्योंकि उसे मार्केट से कुछ ख़रीदना है। तो आज हम दोनों की छुट्टी है, तो आज हम दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं, और आज पूरे दिन घूमना ही है। पहले सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना मोबाइल मार्केट चला जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने पीछे बीच का कुछ व्यू है, फिर सामने बिल्डिंग वगैरह काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर। गाइस ये मैंने यहाँ पर पहले भी ब्लॉग बनाया है, बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल मार्केट। जैसे तो काफ़ी कुछ दिखाया, तो आज हम आपको दिखाएंगे मोबाइल मार्केट। आप देख सकते हैं काफ़ी धूप काफ़ी तेज़ है, तो आप बने रहे हैं हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। तो गाइस काफ़ी धूप तेज़ है और गाड़ियां सब आ रही जा रही हैं, अब गर्मी यहां पर बढ़ती जा रही है। शाम को तो ठंड है और सुबह को भी ठंड है यहां पर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने नेशनल मेडिकल सेंटर है, और काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और ये हमें सड़क पार कर रहे हैं, और ये सामने कंपनी की बस घूम रही है, देख सकते हैं। हम जा रहे हैं मोबाइल शॉप पे, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसी कैसी मोबाइल शॉप है। गाइस इस लाइन में पूरे में शुरू से लेकर लास्ट तक मोबाइल शॉप ही हैं, आगे जाके वो सामने बड़ी सी बिल्डिंग जो दिख रही है उसके सामने फिर रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और हम पहुँच चुके हैं मोबाइल शॉप पर आपसे मिलते। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, और यह कुशल अंदर पहुँच चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ की कितनी काफ़ी बड़ी शॉप है। ये देख सकते हैं आप सब सामने कितनी काफ़ी अच्छे से सामान रखा हुआ है, देखिए ओप्पो वगैरह सब सब फ़ोन मिलते हैं। और यहाँ पर कुशल बात कर रहा है, ये यहाँ पर भैया दिखा रहे हैं कुशल को जो भी लेना है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी फ़ोन वगैरह रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप आईफोन एक्स, आईफोन 8, 12, 30, सिर्फ ये 20 का है, सिर्फ वो सही। ये कर रहे हैं बाद में बात करूँगा, नहीं नहीं आपके नहीं। गाइस यहाँ पर कुशल ने डॉक्टर ले लिया है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुशल ने डॉक्टर लिया है, काफी जो आएगा भाई आपके लिए 20 ड्रम का पड़ा है यहाँ पर। काफी फोन वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन एक्स है, 12 प्रो है, आईफोन 30 है, आईफोन 5 सब रखे हुए हैं। तो गाइस हमने अडैप्टर खरीद लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अडैप्टर की कीमत 20 ड्रम जो कि इंडियन करेंसी में 400 रुपये हो गई है, 440 के समथिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कितनी महंगी हैं, काफ़ी महंगी हैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काफ़ी महंगे हैं, बट कुछ कुछ आइटम काफ़ी सस्ते भी हैं। अभी हमने आईफोन का प्राइस पता करा सेकेंड हैंड का, तो उन्होंने भी हमें बताया कोई 800 का है, आईफोन एक्स 800 में मिल जाएगा सेकेंड हैंड, 64 GB, गुड कंडीशन, बैटरी हेल्थ 100%, और आईफोन 12 प्रो 1250 ग्राम 256 GB, तो काफ़ी इंडियन में काफ़ी ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, बट गुड कंडीशन है, बैटरी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी थी मैंने देखा। तो गाइस गाड़ी पार कर ली है उधर से, और उधर पहुंच चुका है, और मैं से बोल रहा है कि आ जा भाई, तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी तेज़ी से यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं तो भी ऐसे जाने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ कभी भी ऑटोमेटिक चालान कट जाता है, बट सब कुछ देख के ही चलना पड़ता है यहाँ पर कि गाड़ी
है या नहीं है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं रूम पे। आप देख सकते हैं कितने धूप हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं दिख रही है यहाँ पर गाइस। और यहाँ पर आप देखेंगे शाम के टाइम काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ होंगी। मेरे सामने सब पाकिस्तानी लोगों के घर हैं, सब यहाँ पर पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो भाई साहब बने रहें और दिखाते हैं आपको चीज़ें। ये गाइस एक तरह से यहाँ का गांव है जो कि फुजैरा में, ये गांव है ऐसे यहाँ पर, ऐसे हमारे जैसे इंडिया में होते हैं ऐसे ही हैं यहाँ पे। देखिए कहीं कहीं पे कोई कोई पेड़ लगा हुआ है, ज़्यादातर हैं ही नहीं यहाँ पर पेड़, खजूर के पेड़ मिलेंगे बस आपको। तो कुशल आपने वो ले लिया रैप्टर, तो कैसा? तो गाइस कुशल बोल रहा है कि भाई मेरे को मत दिखा, तो कोई बात नहीं कुशल, तो आप सब चलते हैं रूम पे। ये देखिए सामने कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ घरों में अंदर, एक एक दो दो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, घर छोटा सा लेकिन गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी। तो गाइस वो हम पहुँचने वाले हैं रूम पे, तो बने हैं गाइस। मार्केट यहाँ पर पास में ही है, मोबाइल मार्केट, बस 5 मिनट लगते हैं पहुँचने में। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, पाकिस्तानी लोगों के ज़्यादा हैं इस जगह पर, घर वगैरह शॉप वगैरह हर चीज़। गाइस अब रूम पे, अब ये हमारे सामने बिल्डिंग है, कितनी धूप हो रही है, यहाँ पर भी कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एसी सब भी चल रही है, एसी का साउंड भी काफ़ी आता है यहाँ क्योंकि हर जगह एसी चल रही है, हर रूम में दो दो तीन एसी लगी पड़ी है। तो गाइस हमें जो अडेप्टर लिया था वो गलत ले लिया, बट उसको हमें दूसरा चाहिए था। तो कुशल को आप जिसे जा रहा है आगे आगे भागा जा रहा है, कह रहा भाई मैं जल्दी चेंज करके आता हूँ, और वो दुकान वाला चला गया तो मेरे 20 दिनों ऐसे ही ख़राब चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से भागा भागा जा रहा है आगे। तो गाइस हमें अडेप्टर लेना था छोटा, ये उसने बड़ा दे दिया, पागल ने देखा नहीं कि कैसा है वो, अब बाद में रूम पे आके बोल रहा है कि छोटा है भाई ये, सॉरी ये बड़ा है, मुझे छोटा चाहिए था। तो ये देखिए गाड़ियों के फिर रहा, पागल हो रहा है ये, 20 दिन के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहा है, गाड़ियाँ इतनी तेज आ रही हैं वैसे ही भागा फिर रहा है, इतनी तेज़ी से भागे जा रहा है। भाई रुक जा, सुन नहीं रहा बिल्कुल भी, भागे जा रहा है, देखिए कहाँ कहाँ घूम रहा है ये। तो हम पहुँचने वाले शॉप पे, दोबारा दिखाते हैं आपको हमें कैसा वाला चाहिए था, तो आप बने रहें। तो भाई देखिए यहाँ डोर जो कितनी मॉडिफाई करके खड़ी हुई है, ये गाड़ियाँ काफ़ी तगड़ी तगड़ी हैं, गाड़ियाँ हैं एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा है यहाँ पर, काफ़ी लड़कियाँ भी घूमती हैं। देखिए गाड़ी जा रही है, मज़ा है यहाँ पर आके, बने हैं हम पहुँच, वो मेरे से पहले ही पहुँच चुका है शॉप पे और हम खड़े हैं। क्या हुआ, बंद हो गया? नंबर लिखा हुआ है ये। तो गाइस दुकानदार ने शॉप बंद करके चला गया, और सामने कुशल कितने गुस्से में है, और वो दुकानदार आया नहीं, उसने बोला होगा बाद में आना है, जब भी जो भी हुआ होगा। तो अभी हम जा रहे हैं वापस रूम पे, तो देखिए कुशल कितने गुस्से में है, आपको दिखाता हूँ कुशल का गुस्सा, पहुँचता हूँ। क्या हुआ है, 5-6 बजे मैं तेरे को पैसे दे कर रहा हूँ, एक मिनट बंद करना। तो गाइस कुशल बोल रहा है कि दुकानदार ने बोला है कि शाम को 5-6 बजे आना, जब जाके मैं चेंज करूँगा, और वो इससे भी महंगा है, तो ये लेने के लिए तैयार है, बट इंडिया में इतना महंगा मिलता नहीं। यहाँ पर वो बोल रहा है कि 40-50 दिरहम का होगा, तो आप देख सकते हैं इंडिया में 1000 दिरहम का हो, सॉरी 1000 रुपये का हो गया। तो ये दुकानदार उसको पागल बना रहा है, और ये बन रहा है क्योंकि अब ये फंस चुका है, इसके वहाँ 20 दिरहम फंस चुके हैं, और वो वापस देने वाला नहीं है, उन्हें मना कर दिया। वो बोल रहा है कि शाम को आके आप चेंज करके दूसरा ले जाएं जो आपको चाहिए। तो आज हम शाम को आएंगे, और ये देख सकते हैं आप कितने गुस्से में जा रहा है कुशल,
इसके एयरबड्स भी चार्ज नहीं है और ये गुस्से में है, इतने पैसे भी खर्च करे और इसको सामान भी नहीं मिला जो इसको चाहिए था। तो अब इस प्राइस तो आप अपना प्यार हमें ऐसे देते रहें और आप हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और आप हमें ज़रूर बताएं कि कैसी लगी है आपको वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।